भारतीय क्रिकेट टीम ने भले ही वेस्टइंडीज की टीम को दो टेस्ट मैचों की सीरीज में आसानी से 2-0 से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन अभी भी भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कई चुनौतियां हैं। भारतीय टीम अभी भी टेस्ट क्रिकेट में ओपनर बल्लेबाज की दिक्कत का सामना कर रही है। केएल राहुल का लगातार फेल होना टीम मैनेजमेंट और भारतीय टीम के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। भले ही टीम मैनेजमेंट की स्कीम ऑफ थिंग में तीसरे ओपनर के तौर पर मयंक अग्रवाल को रखा गया है, लेकिन राहुल के लगातार फेल होने से ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत पेस अटैक के सामने दो नए युवा बल्लेबाजों को विराट मौका नहीं देंगे। स्टार्क हेजलवुड और कमिंस के सामने युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के साथ किसी अनुभवी खिलाड़ी का होना जरूरी है। ये बात अलग है कि राहुल के लगातार फेल होने से मुरली विजय के लिए फिर एक बार टेस्ट के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मुरली विजय ने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था और हाल ही में इंग्लैंड से खराब दौरे के बाद उनका बल्ला संभला है, जो काउंटी क्रिकेट में देखने को मिला था। भारत के लिए मौजूदा वक्त में सबसे अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत का बल्ला जमकर बोल रहा है, जो कप्तान विराट के लिए सुकून की बात है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारत के सामने दूसरे विकेटकीपर को लेकर स्थिति असमंजस भरी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद संजय मांजरेकर ने रवि शास्त्री से साहा की वापसी को लेकर सवाल किया तो शास्त्री ने साफ कर दिया कि वो करंट फॉर्म के साथ जाएंगे। मतलब यह साफ हो गया है कि मौजूदा वक्त में साहा टीम मैनेजमेंट की स्कीम ऑफ थिंग्स में बिल्कुल नहीं है। दूसरे विकेटकीपर को लेकर भी मैनेजमेंट के सामने विकल्प के तौर पर पार्थिव पटेल हो सकते हैं, या फिर इंडिया ए के लिए खेल रहे कोना भारत, जो लगातार बल्ले और विकेटकीपिंग में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।